सेकेंड ईयर के एग्जाम की करियर में, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंस किनको कहते हैं? जिनमें या तो दुआ हो रही हो या कोई ख्वाहिश हो रही हो। अब एक ट्रिक ध्यान में रखिएगा, मे का जब इस्तेमाल हो रहा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, तो ज़्यादातर प्रे की बात होती है 99% केसेस में। और जो वुड का इस्तेमाल हो तो ज़्यादातर विश यानी ख्वाहिश की बात होती है। टेंस पर डिपेंड करता है, विश ज़्यादातर विश ही होगा। ही सेड मे गॉड पार्डन दिस सिनर, यानी गॉड पार्डन कर दे, माफ़ कर दे गुनाहगार को। अब मेरे भाई, ही सेड दैट, यहाँ तक तो बहुत आसान है कि ये डायरेक्ट का जब निशान हटता है नोटेशन का तो दैट आता है। मे गॉड, तो भाई बात ये है कि जहन में रखें, जितने मे वाले सेंटेंस हैं नाउन हमेशा आएगा और मे की जगह माइट आ जाएगा। नाउन हमेशा फॉलो होगा माइट से, तो गॉड माइट पार्डन वैसी रहेगा, दिस की जगह दैट और आगे सिनर यानी गुनाहगार की बात। नीचे सेंटेंस है, शी सेड मे द पुलिस अरेस्ट द थीव्स, बेचारी यहाँ चोरी हो गई, अब कह रही है कि भाई के पुलिस पकड़ ले थीफ को, तो दी पुलिस आपका नाउन होगा, पहले आ जाएगा, मे की जगह माइट आ जाएगा, अरेस्ट द थीव्स, आगे सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। थर्ड में देखें, शी सेड टू मी, तो सेट टू मी की जगह यूजली हम लोग शी टोल्ड कर देते हैं, ठीक है, दैट फिर आएगा। अब क्या होगा, गॉड माइट ब्लेस मी, क्योंकि मुझसे मुखातिब हो रही थी ना बाजी, तो शी सेट टू मी, मुझसे कहा था, तो यू से मुराद क्या हो गया, मी हो गया। जहन में रखें, गॉड माइट ब्लेस मी, गॉड माइट ब्लेस मी। दे सेड वुड दैट आवर फादर वर अलाइव टू सी आवर फेट, मतलब एक अब विश कर रहे हैं कि यार हमारे अब्बा देखे हमें। भाई अक्सर हम अपने अम्मा अब्बा को क्या बोलेंगे कि आप अपने पोते की शादी देखें, पर पोते की शादी देखें, बड़ी लंबी ख्वाहिश कर देंगे, ठीक है। तो वुड दैट आवर फादर वर अलाइव टू सी आवर फेट, वुड। अब वुड का मैंने कहा तो बात वैसी विश की हो रही है। दे सेट दैट ओवर की जगह क्या हो जाएगा, देयर फादर, और सबसे अहम बात ये वर की जगह पूरा हेड बीन क्या हो जाएगा, हेड बीन अलाइव टू सी देयर फेट, ओवर फेट की जगह क्या हो जाएगा, देयर फेट, ठीक है जी। तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट और प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा मेरे भाई, अच्छा खासे दिए हैं मैंने, और मजीद इंशाल्लाह ताला डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कराते रहेंगे आपको कंटिन्यूसली। थैंक्स अल्लाह।